पुष्कर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद सीता वर्मा ने गुरुवार को कस्बे के मुख्य बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पालिका ईओ सीता वर्मा ने तीर्थ नगरी के मुख्य बाजारों में फैले अस्थायी अतिक्रमण पर सफाई निरीक्षक फतेह सिंह गौड़ को कड़ी फटकार लगाते हुए 3 दिनों में बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश भी दिए। कार्रवाई के तहत ईओ वर्मा ने बद्री घाट से ब्रह्मा मंदिर और ब्रह्मा मंदिर से कपालेश्वर तिराहे तक पैदल भ्रमण कर स्थानीय दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को पालिका दस्ते की मदद से हटाया। इस दौरान अतिक्रमण की जद में आने वाले सामान को भी जब्त कर लिया गया। ईओ वर्मा ने अतिक्रमियों पर सख्त रवैया अपनाते हुए हिदायत दी कि या तो दुकानदार खुद अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो आगामी दिनों में पालिका अतिक्रमियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। आज पुष्कर का जो मेन मार्केट है, ब्रह्म मंदिर और उसके आसपास का मार्केट, यहाँ पे जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा जो प्लास्टिक की थैलियों में प्रसाद आदि बिक रहा है उनको भी हमने समझाइश करी है कि वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें। यही प्लास्टिक हमारी जो गौमाता है उसके पेट में जाता है, उसकी मौत का कारण बनता है। इसी प्लास्टिक से हमारी नालियां चौक होती है जिससे कि गंदा पानी ऊपर भरता है। इसके अलावा जो सड़कों पे टेंट इत्यादि लगाकर भी दुकानदारों ने कर रखा है उसको भी हमने हटवाया है और समझाइश की गई है। आने वाले दिनों में इस अभियान को और तीव्र गति से चलाया जाएगा और जुर्माने इत्यादि किए जाएंगे। पुष्कर नगर पालिका प्रशासन ने पाराशर कॉलोनी में एक होटल मालिक पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप में पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पालिका ईओ सीता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कैलाश पाराशर ने पालिका की बिना अनुमति के पक्का निर्माण कराया, साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध बालकनी भी निकाल ली। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे को ही बालकनी में चुन दिया। जानकारी मिलने के बाद पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर सफाई निरीक्षक गौड़ ने मौका मुआयना कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। पराशर कॉलोनी में होटल ओएसिस ने जो हमारा सरकारी खंभा था लाइट का उसको भी अपनी बालकनी में शामिल कर लिया था। इसका हमने राज्य की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा संबंधित होटल के मालिक के विरुद्ध हमने दर्ज कराया है।